चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे 9M01 नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हाँ बच्चे सुनूंगी, क्लास के एंड में मैं टाइम दूंगी ना, उस क्लास में पक्का सुनूंगी, ठीक है। अभी हमने इस नंबर सिस्टम में, अब बच्चों ने बोल दिया मैम ये सब चीजें हमें पता है, अब मत बताओ, ठीक है, तो चलो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, हमने देख लिया है कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने पूर्णांक भी देखे, है ना, पूर्णांक भी देखे कि इंटीजर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। बट फिर भी हम एक जल्दी से रिकॉल ले लेते हैं, हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर एक से गिनती, जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तु को गिन पाए, किसी भी वस्तु को गिन पाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यही चीज हमने पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्या। फिर हमने क्या देखा कि अगर हम इसके अंदर जीरो भी मिला दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तो ऐसी संख्या जो प्राकृतिक नहीं हो, सिर्फ पूर्ण संख्या हो, तो आप कौन सी बताओगे, सिर्फ जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, बाकी सभी पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृतिक भी है, एक के बाद प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, सिर्फ पूर्ण एक लौती एक ऐसी जीरो है जो सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। तो याद रखनी है ये चीजें, अगर कोई आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर हम इसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाले नंबर्स भी मिला दे तो जो ये पूरा नया समूह बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जिसमें हमारे सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी होता है। अच्छा जीरो क्या है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि जीरो से अधिक धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और जीरो से कम ऋणात्मक होता है। यस, अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो पूर्ण को हम होल नंबर कहते हैं, तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे, डब्ल्यू से। प्राकृतिक को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे दर्शाते कैसे हैं, हम एन से, ठीक है। और पूरा पूर्णांक हमारा इंटीजर्स होता है, इसे हम कैसे दर्शाते हैं, जेड से। यस यस, चलो फिर, यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक, ठीक है, चलो फिर मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपको इसका आंसर कहाँ देना है, चैट पोल के अंदर। निम्न में से पहली पांच, अच्छा हर सेशन के बाद आपका सबसे पहला प्रीवियस जो सेशन में पढ़ा होगा ना बच्चे, वो क्वेश्चन जरूर एक रिकॉल टेस्ट में आएगा, तो हमेशा तैयार रहना इस रिकॉल टेस्ट के लिए, ठीक है। निम्न में से पहली पांच संपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए, सम जो पूर्ण संख्याएं हो, सम संख्या हो और पूर्ण भी हो, उनकी पहचान कर। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे, जिनका हो गया उनका मेरे को दिख जाता है नाम के साथ, तो बाकी भी बच्चे करेंगे, अभी किस और बच्चों का नहीं आया है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद देखो ऑप्शन कौन सा ठीक लगेगा, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। सभी करेंगे, पहली पांच संपूर्ण संख्याएं बतानी है, ठीक है। निम्न में से पहली पांच संपूर्ण संख्याएं बतानी है, सभी करेंगे। हाँ जिन्होंने कर लिया है उनका बच्चे नाम आता है, तो आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों ने नहीं किया है उन बच्चों के लिए है, प्लीज सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि पोल मुझे पता है सभी का वर्क करता है, है ना। पहली पांच संपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। चलो बच्चे लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को, यस मैम, यस मैम, ठीक है ठीक है, ओके यस मैम, चलो सभी आंसर करेंगे जल्दी से, 5 सेकंड और देती हूँ मैं, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। चलो पोल को करते हैं एंड, एंड अभी मुझे आंसर कर दिया, जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा था, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और अच्छा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको जो आंसर सही लगता है ना
उसका पोल में आंसर जरूर क्या करो, सही या गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा? प्लीज अगर आपको नहीं पता है रूल्स तो रूल्स को फॉलो करो, हमारे क्लास के अंदर सिर्फ हम रूल्स क्या है ये आप चैट में लिखोगे, ठीक है? जब तक कोई बड़ा डाउट नहीं है तो हमें क्या बताना था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सभी बच्चों को पता है जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एक दो तीन चार पांच छह ऐसे चलती हैं, ठीक है? अब हमें क्या बताना था कि फर्स्ट फाइव इवन होल नंबर, इवन होल नंबर बताने थे। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है। अब हमें फाइव बताना है तो एक और आना चाहिए, तो हम एट भी ले लेते हैं। तो कौन कौन सी हो गई, ये वाली नंबर्स हो गए, है ना? ये कहाँ पर है, ए वाले ऑप्शन में, ठीक है? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया था, बाकी सभी ने आंसर ठीक किया था और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया था। तो मैं सभी बच्चों को ये बात बोल रही हूँ, आंसर सभी को करना है, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये सब चीजें देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है? और पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दे तो वो पूरी पूर्णांक बन जाती है, ठीक है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है कौन सी होगी, जीरो, ठीक है? अगर मैं पूछूं क्या सारी संख्याएं पूर्णांक है, यस सारी संख्याएं, चाहे कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो सारी संख्याएं पूर्णांक है, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा दिमाग में यूज करना है कि कैसे हमें जो ये वाला, आपको ना ये चीज याद रखोगे ना, अगर ये प्राकृतिक तो इसके अंदर आपको ये चीज रहेगा, चाहिए इसके अंदर भी आ रहा है, तो यानी कि पूर्ण संख्याएं तो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं सारी पूर्णांक भी होंगी, पूर्ण संख्या सारी पूर्णांक भी होंगी। क्या ये चीज समझ आई है सभी को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में। yes, ma'am. चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए और नहीं आया तो नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी अब। यस मैम। ओके ओके चलो फिर मैं क्वेश्चन तरफ बढ़ती हूँ बच्चे, है ना? क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ आगे। क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ना फिर उसके बाद आंसर करना, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है? आंसर आपको पोल में करना है, चलिए, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, सभी बच्चे करेंगे। I have done, ma'am. Okay, good. बच्चे मेरे पास नाम आ जाता है, don't worry, आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। ma'am, मैंने भी कर दिया। बेटा आ गया मेरे पास, please, आप लोग ऐसे करोगे तो फिर सभी बच्चे करेंगे ना, ऐसे नहीं, आपने कर दिया मेरे पास आ जाता है। जिन बच्चों ने नहीं किया उनका नाम लेना, मैं स्टार्ट करने वाली कुछ टाइम बाद। चलो ओके और भी बच्चे करेंगे आंसर, अभी सभी का नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर उसके बाद आंसर करो, ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए फिर आंसर करिए, और सभी आंसर करेंगे, सभी का आंसर नहीं आया है अभी, सभी का आंसर नहीं आया अभी। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? Which one of the following numbers is a whole number and integer but not a natural number? बच्चे बहुत गलत कर रहे हो आप आंसर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, सभी बच्चे करेंगे, अभी सभी का आंसर नहीं आया है, मैं सबका वेट कर रही हूँ। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो आप पोल को करते हैं एंड, अगर कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इतना
जो बच्चे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे टाइम से क्लासेस ज्वाइन किया कीजिए, आधी क्लास में नई क्लास ज्वाइन करनी होती। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यस, बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। देखो, हमने देखा पूर्ण क्या होती है, पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे चलती है। तो ये वाली तो हमारी संख्या जीरो से स्टार्ट हुई, ये क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, जो इंटीजर है, जो हमारा क्या होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा आपका कि ये जो एक से स्टार्ट होती है ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। हाँ जी, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा हुआ है कि अगर इसी पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर भी ज्वाइन कर दें तो ये पूरा समूह जो बन गया ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक माइनस वाली भी नेगेटिव वाली भी मतलब पॉजिटिव वाली भी और जीरो भी, ये आपका हो जाएगा क्या पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण हो। पूर्ण संख्याएं मतलब यानी कि जीरो से सारी संख्याएं, पूर्णांक हो तो पूर्णांक में भी सारी आ गई, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं होती, प्राकृतिक संख्या तो हमारी एक से स्टार्ट होती है, तो पूर्णांक में तो नेगेटिव वाली भी आ गई, पूर्ण संख्याओं में हमारी सारी आ गई जीरो से, मतलब सारी संख्या तो आ गई, लेकिन प्राकृतिक में कौन सी एक नहीं आती है। प्राकृतिक में जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता ना, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ डी। ये चीज मैं बार बार समझा रही हूँ, बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। तो ऑप्शन कौन सा हुआ डी, मेरा सही है मैम। जिन बच्चों को डाउट था क्या आप क्लियर हुआ है, क्योंकि आंसर इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो अगर समझ आ गया तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि आंसर इसमें काफी बच्चों के गलत थे। यस मैम, अगर अभी भी डाउट है ना तो चैट सेक्शन में नहीं, कुछ बहुत बच्चों ने सही भी किया, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबने गलत किया है, बहुत बच्चों ने सही भी किया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, नो डाउट, ओके, तो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं। चलिए, आपको इसका आंसर कहाँ करना है, अगेन इसका आंसर भी आपको कहाँ करना है, पोल्स के अंदर। देखते हो सभी बच्चों की छोटी होती है ना, तो क्वेश्चन ही नहीं नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, इन संख्याओं का संग्रह मतलब ये बैग है, इस बैग में कौन कौन सी संख्या, उनको देख के आपको बताना है कि किस तरह का संग्रह है, मतलब कौन सा समूह बनेगा। ठीक है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है पूर्णांक, तीसरा है पूर्ण संख्या, चौथा है उपयुक्त में से सभी। जल्दी से चेक करके बता दो, जल्दी से चेक करके, और आंसर बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताना है आपको, सोचो। हाँ बेटा, जिन्होंने कर दिया मुझे नाम आ रहा है, गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। बैग को देखो, उसमें किस तरह की संख्याएं हैं वो देखो और फिर आंसर बताओ। सभी बच्चे करेंगे है ना, सभी बच्चे करेंगे। जल्दी जल्दी बच्चे, अभी तो 5 सेकेंड और देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5 4 3 2 1 0 चलो पोल को करते हैं बंद, और जिन बच्चों ने नहीं किया था पोल में आंसर, या तब जिनका नहीं चलता है पोल, बस वही बच्चे करेंगे आंसर, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कर दीजिए आंसर जल्दी से। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, उसने बोला है जो इस कलेक्शन नीचे दिया गया है, इसमें किस तरह की संख्या है।
ठीक है, ये हमें बताना है कौन सा संग्रह है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जीरो एक दो तीन वाली है या नहीं है? हाँ, आप हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? आते हैं, ठीक है। हमें बताना था कि नीचे दिए गए संग्रह संख्याओं का संग्रह हमें बताना था, ठीक है बच्चे। तो आपने इस बॉक्स को देखा, इसमें क्या क्या है? जीरो है, टू भी है, पॉजिटिव वाली संख्याएं भी हैं, जीरो भी है और नेगेटिव वाली संख्याएं भी हैं, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, ये क्या है, हमारी पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, संग्रह बताना था हमें किस टाइप का बना, तो आपका आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चों ने लेकिन गलत किया था, उपयुक्त में से सभी कर दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम संग्रह क्या होता? संग्रह का मतलब ग्रुप, 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 समूह, ये है ना, द कलेक्शन, मतलब उनको ग्रुप बना दिया, एक कलेक्शन कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप सबको पता है कि एक दो तीन चार जो होती है, जिनसे वस्तु को गिन पाए वो प्राकृतिक है। अगर जीरो भी मिला दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब इनके ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रिया हो, यानी कि ऑपरेशन का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ संक्रियाएं प्लस माइनस गुना भाग, जो हम जमा घटा गुना भाग करते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो संक्रियाएं पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रिया को देखेंगे हम? जोड़, घटा, गुना, भाग, जो आप अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी करते आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे? योग को, जोड़ को। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, आशिन और शानु दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के पास पांच और चार टॉफियां हैं, ठीक है। आशिन के पास क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः मतलब कि अगर जिसका नाम पहले लिखा है उसके पास वो टॉफी होगी, ठीक है। आशिन के पास पांच होगी और शानु के पास कितनी होगी? चार। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा होता रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उसका मतलब समझा करो कि जिस तरीके, जिस ऑर्डर में आपके नाम लिखे हुए हैं ना, उसी ऑर्डर में उसका अगर कुछ संख्या है तो उसी ऑर्डर में होती है। तो इसके पास पांच टॉफियां हैं, इसके पास चार टॉफियां हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कितनी टॉफियां हैं बेटा, चैट में प्लीज। नो बेटा, चैट सेक्शन में। सभी बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज। गुड गुड, बिल्कुल इजी है। आप इसके पास पांच है, इसके पास चार है, हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, हमें मिल गया नो, है ना। कितना इजी है, ये तो नॉर्मल एडिशन है, सभी को आती है। अच्छा, आंसर सभी करेंगे चैट में, आंसर सभी करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पर, नो। चलो ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो हमने बता दिया क्या कि दोनों के पास कुल टॉफियां कितनी है, नो है। अब अगर मैं इस पूछूं कि 52 और 17 दोनों को मैं जोड़ दूं, कितना आएगा? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बता दो। सभी बच्चे बता दो जल्दी 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 चैट सेक्शन में आंसर। 69 मैम। सॉरी, क्या कहा बेटा? हाँ चलो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या किया हमने, किस दो मैम, हमने प्लस किया। हाँ, हमने यहाँ पर प्लस किया, ठीक है। दो सात को जोड़ा, कितना मिलेगा हमें, नो। पांच और छह को जोड़ा, हमें मिला छह। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये एडिशन नहीं आती हो? चैट सेक्शन में आराम से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने देखा सभी बच्चों ने आंसर सही किया, एक बच्चे ने आंसर किया गलत, अमन की आईडी से जो बच्चा है। बेटा 96 कैसे आया, 96 कैसे आया बेटा?
बता सकते हो? अच्छा गलती से करा था क्या? चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ, जल्दी से बता दो। 63 में मैंने 52 जोड़े तो मुझे कितना मिलेगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया तो कोई नहीं, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। मैम क्या बताना है? दोनों को जोड़ करके 63 और 52 दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बता दो कितना आंसर आएगा। मैं देख लू ना मेरे बच्चों का एडिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐड करना कितना अच्छा आता, जमा करना। मैम 115। बेटा चैट में बताना है, चैट में मैं आपका ऐसे कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि आपका नाम के साथ आता है। 115 मैम। बच्चे चैट में बताना है, प्लीज रूल्स फॉलो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं इससे। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, बिल्कुल सही। 3 और 2 को ऐड किया 5 आ गया, और 6 और 5 11 हो गया, 115। यस बहुत बढ़िया। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर मेरे पास 2 अंकों के लिए नंबर है, इसको जरा ऐड करके बताना क्या आएगा चैट सेक्शन में। 95 को 17 से जोड़ूंगी कितना आएगा, जल्दी से बता दो। ठीक है 95 को जल्दी से जोड़ दो, 95 को 17 से जोड़ेंगे कितना आएगा? सभी बच्चे करेंगे आंसर, आंसर सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। 112 मैम। बेटा आप नहीं मानोगे क्या, मैंने अभी एक को मना किया तो दूसरा स्टार्ट हो गया। बेटा बाकी बच्चों को भी करने दो ना, बिल्कुल सही। 5 और 7 कितना हुआ? 12। 12 का 2 इधर आएगा और 1 हासिल चला जाएगा, है ना? और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 10 और 1 11, 112। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ बेटा मैं तभी बोल रही हूँ ना बाकी बच्चों को भी। ठीक है चलो फिर 3 डिजिट वाले भी करके दिखा दो, बाकी सभी को आता है तो जल्दी से। बच्चे सोचेंगे मैम क्या मुझे हमें जोड़ना सिखा रहे हो? हाँ बेटा मैं जोड़ना ही देख रही हूँ कि मुझे कितने बच्चों को आता है ऐड करना। करो जल्दी जल्दी सभी बच्चे, इसका एडिशन कितना हुआ? कॉपी में करना है और अपनी नोटबुक में करो, उसके बाद चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से। सभी बच्चे लिखेंगे, बाकी मुझे कौन बताएगा? प्रीति जांगरा की आईडी से। मैम मेरे फोन में चैट सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, चैट सेक्शन नहीं आया आपके फोन में। ठीक है एक मिनट, किस क्या नाम था बच्चे का? हाँ इसका नाम ले रही थी मैं, हाँ प्रीति जांगरा की आईडी से जो बच्चा है, प्रीति जांगरा की आईडी से जो बच्चा है। बेटा अनम्यूट करो जरा अपने आप को, प्रीति की आईडी से जो बच्चा है एक बार अनम्यूट करो। हाँ कर दिया, जल्दी से एक बार हैंड अनम्यूट कर दो। प्रीति की आईडी से जो बच्चा है, चलो सुरेश यादव की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करो जरा सुरेश यादव। जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, नाम नोट होता है बेटा, आपको भी पता रिकॉर्डिंग जाती है, आपके स्कूल में भी जाएगी और आगे भी जाएगी, तो प्लीज अनम्यूट करो जरा सुरेश यादव की आईडी से जो बच्चा है। 334 आएगा मैम। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप मान जाइए प्लीज। सुरेश यादव की आईडी से बच्चा, बेटा कर लिया अनम्यूट? यस मैम। मैम चैट सेक्शन आ नहीं रहा मेरे फोन में। ठीक है मैं अभी बताती हूँ, बाकी आप बंद कर लीजिए। हाँ हाँ सुरेश यादव की आईडी से बच्चा, बेटा क्या ऐड करके बताओ जरा, कैसे ऐड करेंगे, जोड़ के बता दो जरा। मैम 334 आया आंसर। नहीं आंसर 334 आएगा, आएगा कैसे? एक एक अंक को करके दिखा दो मुझे, बोल बताते जाओ। 6 और 8 को जोड़ा? यस मैम। बताओ तो बताओ। 6 और 8 को जोड़ा 14, 14 का 4 आएगा यहाँ, 1 आएगा यहाँ,
तो 4 आएगा मैम। हाँ, और यहाँ पर कितना आएगा? एक, हाँ, और इसको जोड़ के? हाँ, फिर 7 और 5 को जोड़ा, 12 कितना आया? मैम, 12। और एक हासिल जोड़ा, कितना हुआ? 13। तेरह तेरह 13 का 3 इसीलिए। आएगा, है ना? यस मैम, 13 का 3 यस आएगा, मैम, एक कहाँ जाएगा? यस यहाँ मैम। हासिल। चलो आगे। फिर मैम एक और दो, एक एक को जोड़ा, हाँ, फिर फिर हासिल को जोड़ा, कितना हुआ? 3। तीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनम्यूट एक बार में करा करो, जिसको मैं बोलती हूँ, जिस भी बच्चे का नाम लेती हूँ, अनम्यूट प्लीज एक बार में, ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं। मुझे पता है मेरे सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इस क्लास में सभी को आता है कैसे हम जोड़ते हैं। एडिशन एक बहुत इजी चीज है, मुझे पता है। दो या दो से अधिक प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग भी प्राकृतिक संख्या होता है, वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि मान लीजिए मैं दो संख्याओं को जोड़ रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मान लो मैंने 6 और 0 को जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 6। 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। मैम चैट सेक्शन नहीं आ रहा मेरे फोन में, निकल नहीं रहा है। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो एक मिनट रुको, गया एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ठीक है? देखो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये यस स्क्रीन मैम, दिख रही है आपके पास। यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपके, यस है ना? इस पे आप दबाओगे तो आपके पास ये वाला बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है? आप यहाँ पर जाओगे, ये इन कॉल मैसेजेस में, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ जाके जो मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है? यस मैम। आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी बेटा? लेट दो क्लास ज्वाइन की थी? मैम, यस बेटा, क्योंकि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में मैं सबको बताती हूँ आपने आज क्लास लेट ज्वाइन की है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे से सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे, ठीक है बेटा? म्यूट कर लीजिए अपने आप को, है ना? म्यूट कर लो अब आप, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 3 अंकों की संख्या को ऐड करना सभी मेरे बच्चों को आता है, ठीक है? अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रही हूँ कि दो या दो से अधिक संख्या, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हम दो संख्याएं जोड़े, मैं 3 संख्या भी जोड़ सकती हूँ, है ना? तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है ना, वो भी हमारा पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ठीक है? अब मैं बोलोगे, मैम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है ना? इसलिए हम सभी नंबर्स को प्राकृतिक पूर्ण, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कोई एक नंबर जो प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो आप जल्दी से बता सकते हो 0। माइंड में हमेशा रखना, तो हमेशा दिमाग में आपको ना ये वाली इमेज बना के रखो, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी प्राकृतिक संख्या, अगर 0 मिला दिया तो पूर्ण संख्या, नेगेटिव वाले मिला दिया तो पूर्णांक। कभी नहीं भूलोगे आप इनको, कभी नहीं भूल पाओगे फिर, ठीक है? यस, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखो 0 को अगर हम 6 से जोड़ रहे हैं तो भी 6 मिल रहा है। अब मैंने 1 को 4 से जोड़ा 5, 5 को 3 से जोड़ा 8, 8 को 8 से जोड़ा 16, 16 भी क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोल लो या प्राकृतिक संख्या। 2 को 3 से 4 से जोड़ा 6, 6 को 6 से जोड़ा 12, 12 को 8 से जोड़ा 20, 20 को 10 से जोड़ा 30, ये भी एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। क्या ये सभी चीजें मेरे क्लास के बच्चों को समझ आई है? एडिशन, जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में, और दो को प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो आंसर मिलता है वो भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया। तो मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगी और सब बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल में जाके आंसर करेंगे, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि आपको जोड़ना है ये, ठीक है? जोड़ दीजिए जल्दी से, पहले कॉपी में जोड़ेंगे फिर आंसर करेंगे इसका, और सबका आंसर मैं चाहूंगी कि सही आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलो सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करो, फिर जो ठीक लग रहा है आंसर उसको लिखो। सभी बच्चे करेंगे,
ठीक है, अभी सबका नहीं आया, सभी करेंगे, सभी बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 5 सेकंड और, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। 5 4 3 2 1 0 ठीक है, पोल को करते हैं एंड। अभी अगर कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से कर दो पोल के अंदर, ठीक है आंसर। चलिए चैट के अंदर कर दीजिए, ठीक है चलो देख लेते हैं। ओके 24 है और 13 है, तो हमने क्या किया, हमने 4 और 3 को जोड़ा, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। फिर हमने क्या किया, 2 और 1 को जोड़ा, कितना होएगा, 3 होगा। तो आंसर क्या आया, 37, 37। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, बी, ए, ए, यस, ए, यस। ये डॉक्टर, एक मिनट हाँ, डॉक्टर रमेश की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए, रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा, बेटा आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हो क्लास में, टाइम से ज्वाइन किया करो। मैम पहले दूसरे फोन में लगाई थी, उसमें आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए इसमें लगाई। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको कहाँ करना है, पोल के अंदर करना है। कोई भी आंसर कहाँ नहीं करेगा, चैट में नहीं करेगा, ठीक है। चलो आंसर करना है आपको कहाँ पर, पोल के अंदर, ठीक है चलिए। पहले अपनी कॉपी में करो और उसके बाद कहाँ करना है, पोल के अंदर। और सभी बच्चे आंसर सही करेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से जो ठीक लगता है आंसर वो करो, फिर हम सही या गलत बाद में देखेंगे। Done. हाँ बच्चे, जिनका हो गया उनका आ गया, प्लीज रूल्स फॉलो कीजिए, सभी बच्चों के लिए है ये, है ना, सभी बच्चों के लिए। और अभी सबका आंसर नहीं आया, सभी करेंगे, बेटा एडिशन है, 765 को जमा करना है 38 में, 765 को जमा करना है 38 में, यानी कि 765 को ऐड करना है 38 में। जल्दी जल्दी सभी आंसर करेंगे बच्चे, सभी आंसर करेंगे, सभी का न्याय भी, सिर्फ 13 बच्चों का आंसर आया है और बच्चे काफी ज्वाइन है, बाकी बच्चे भी करिए। बाकी बच्चे भी कीजिए, चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं एंड और चैट को करते हैं ऑन। अब जिसका नहीं हुआ था वो कर दीजिए, और बाकी बाकी काफी बच्चों ने सही किया है, 2 बच्चों ने गलत किया है, खुद से बता दो कौन बच्चे थे। सो हम क्या करेंगे बच्चे, सीख लेंगे, डाउट होगा तो डाउट क्लियर कर लेंगे, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है हाँ। चलो देख लेते हैं, 765 है, इसमें हमें 38 जोड़ना है, है ना। तो हमने क्या किया, पहले 5 में 13, 5 को 8 से जोड़ा, कितना मिला, 13, 13 का क्या होगा, 3 तो यहाँ आएगा और 1 हासिल में चला जाएगा, फिर 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो उसके बाद 10, ये क्या हो गया, 7 और 1 8, तो कितना हुआ, 803, है ना, 800। मैम मेरा सही है, हाँ नहीं मैंने आपका नहीं कहा बेटा, मैंने 1-2 बच्चों का बोला है कि गलत था, खुद ही बता दो कौन बच्चे थे, तो मेरे को ऐसा इसलिए मैं पूछ रही हूँ अभी, कि फिर आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, बता दीजिए अगर आपके फिर डाउट होंगे तो बेटा हम डाउट ले लेंगे, चैट में बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई है क्या ऐसा, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, सभी को पता है पोल में आंसर कैसे करते हैं, है ना। चलो आपको जोड़ना है किसको, 245 को 138 से, ठीक है, 245 को 138 से, यानी कि 245 को ऐड करना है 138 से। चलिए
कीजिए। बच्चे टाइम लो, पहले प्रॉपर सॉल्व करो, फिर अपने हिसाब से फिर आंसर करना, ठीक है? मैम हो गया। हाँ बच्चे, जिनका हो गया उनके नाम के साथ मुझे आ गया है, बाकी सभी बच्चे भी करेंगे, है ना? बाकी सभी बच्चे भी करेंगे। अच्छा बच्चे, ऑनेस्ट रहना मतलब अपने आप से सही बोलना, कि अगर नहीं आता है ना तो सीधा बोलो, मैम मुझे नहीं आता, आप एडिशन सिखा दो, कोई बात नहीं बेटा। क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, आप फिर आगे इस प्लस माइनस फिर आगे आगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आप प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना? तो मैं सभी बच्चों से, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना मैम, बहुत आ रही है, आप मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी चीज है ना? क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी चीज है। बेटा हाँ, मैं लूंगी, चैट सेक्शन में लिख दो अगर आपको कुछ डाउट है वैसा, तो अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी। मैम बोलिए। मैम इसमें शायद ऑप्शन गलत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना? चलो 5 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है? चलो पोल को करते हैं एंड, और आप देखते हैं जिन बच्चों ने नहीं किया था जल्दी से चैट सेक्शन में कर दीजिए। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, जिनका पोल, सबका पोल चलता है मुझे पता है, तो प्लीज पोल में आंसर क्या किया कीजिए। जिनका नहीं आंसर आएगा मैं आगे से ना नाम ले लेके बोलने लगूंगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं कितना है, 245 है और 138 है, ठीक है? हम इनको ऐड कर रहे हैं, कैसे करेंगे बच्चे? हम पहले 5 और 8 को ऐड करेंगे, 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 13 होता है ना, 13 का इकाई वाला अंक इधर आ जाता है, और 1 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है? फिर आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, 4 और 3 7 7 और 1 8, तो 8 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 2 और 1 को जोड़ दोगे, 3, तो कितना आया, 383, 383। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, है ना? कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब खुद ही बता दो कौन से बच्चे ने गलत किया था, कौन से बच्चों ने गलत किया था, चैट सेक्शन में लिख दो जल्दी से, चैट सेक्शन में लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना, ठीक है? क्वेश्चन कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। आपको वो नंबर बताना है जो 642 से 531 अधिक है, क्या करोगे, आपको पता ही है इसमें, है ना? क्या करोगे, आपको पता ही है, जल्दी से पोल में आंसर कर दो इसका। मैम इसमें करना क्या है? बेटा ध्यान से समझो ना, क्वेश्चन में ऐड ही करना है। देखो वो कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करो जो 642 से 531 अधिक है। आपको वो वाली नंबर बताना है जो 642 से 531 अधिक है। क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करो, फाइंड द नंबर विच इज 531 मोर देन 642। 642 से 531 अधिक है। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया आंसर, सभी का आंसर नहीं आया है। बेटा क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं ना, सबका आंसर आना चाहिए, आंसर सबका नहीं आया है अभी भी। आंसर सबका नहीं आया है अभी भी, जल्दी जल्दी दीजिए। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है? पोल को करते हैं बंद। अगर कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से चैट में आंसर कर दीजिए,
ठीक है, वैसे सबका कॉल मुझे पता है चल रहा है ना बेटा, माइक ऑफ रखिए जिसका भी ऑन किया है। चलो उसने पूछा क्या बेटा, क्वेश्चन को ना हमेशा समझना चाहिए। अगर मान लो मैं कहती हूँ मुझे वो नंबर बताओ, एक नंबर पांच से जो तीन अधिक है, पांच से तीन अधिक है, तो आप क्या करोगे? पांच से तीन अधिक कौन सा नंबर होगा? पांच में तीन जोड़ दो, एट, है ना। ऐसे ही उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला था, वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है, 642 से 531 अधिक है, ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, उसकी मैं ऐड कर दूंगी वो, है ना, जोड़ दूंगी, तो तीन और एक चार। बेटा प्लीज, नहीं बच्चे सभी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करो, ठीक है। और चार और तीन सात, और छह और पांच ग्यारह, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अच्छा, मेरा आंसर क्वेश्चन गलत लिखा, 42 सही बच्चे, 43 नहीं था, 42 था, माय मिस्टेक, ठीक है। यस, एक मिनट मैम, नीचे तीन आएगा। हाँ, यहाँ पर आपका तीन आ जाएगा। यस, दो और एक तीन, मैंने तीन लिख दिया था ना, 443 लिख दिया था, इसलिए एक ज्यादा आ रहा था। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी हुआ, ठीक है। क्या हुआ आपका आंसर? बी हुआ, ठीक है, बी आप लोगों का आंसर हुआ। एक बच्चे ने आंसर गलत लिखा था, खुद ही बता दो किसने आंसर गलत लिखा था। आगे बढ़ते हैं फिर, बच्चे समझ नहीं आया क्या आपको? जाट जी की आईडी से तो बच्चा है, आपका आंसर गलत कैसे है? एडिशन नहीं आता, जोड़ना नहीं आया क्या? ठीक है, आप ऐसा करना, क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, ठीक है, मैं आपको और दोबारा से अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, जोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी बच्चों का बिल्कुल सही था एडिशन, अच्छा लगा कि आपको आता है। आगे बढ़ते हैं घटाव, ठीक है, किस पे कर रहे हैं हम ये? होल नंबर और नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं पे। अगर मान लीजिए आशीन और शानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां, क्रमशः का मतलब समझ आ गया ना सबको, कि मतलब आशीन पहले नाम है तो उसका मतलब 5 टॉफियां आशीन के पास है और 4 शानू के पास है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां है और कितनी, किसके पास अधिक है, चैट सेक्शन में बता दो। अगर आशीन के पास है तो ए लिख देना और शानू के पास है तो एस लिख देना, ठीक है। किसके पास है और कितनी अधिक है, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। एक बार आंसर लिखिए सभी को, मैं ये बात बोल रही हूँ, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है फिर, ठीक है, बिल्कुल सही। आशिन के पास है और कितनी अधिक है, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, 1 अधिक है, बहुत बढ़िया, यस, 1 टॉफी एक्स्ट्रा है। मैंने 5 में से 4 को क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आया, 1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, आशिन के पास शानू से 1 अधिक टॉफी है। चलो, दो अंक वाली संख्याओं को घटाना आता है तो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो इसको घटाने पे हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो कैसे घटाएंगे। 8 में से 7 गए कितना आएगा, 8 में से 7 गए 1, बिल्कुल सही। 9 में से 1 गया कितना मिलेगा, 8, तो कितना मिला, 81, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का सही आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, सभी बच्चे करेंगे। चलो 81, अगर मान लो मैं 75 में से 17 माइनस करूं कितना आएगा, 75 में से 17 माइनस करूं कितना आएगा, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिख दो सभी, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिख दो। जल्दी जल्दी सभी लिख दो, फिर मैं समझाऊंगी। चलो, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैंने देखा बच्चों को, आप देखो कैसे करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 में तो 7 जा नहीं सकता, 5 में से तो 7 जा नहीं सकता। जब ऊपर बड़ी छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, हम इससे एक ले लेंगे, 7 वाले से वो एक उधार ले लेगा, तो यहाँ पर एक जब उधार लेगा तो इधर कितना बन गया, 15,
ठीक है। अब 15 में से तो 7 जा सकते हैं ना, तो हमें कितना मिलेगा 8, ठीक है। 15 में से 7 जा सकते हैं। अब क्योंकि इसने एक दे दिया था तो इसके पास अब कितना बच गया 6। अब 6 में से एक जाएगा तो कितना बनेगा 5, तो आंसर क्या हुआ 58। हां जी बिल्कुल सही। तो चलो एक नंबर और बता दो, अगर मैं 23 में से 15 घटाती हूं तो मुझे कितना मिलेगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। 23 में से 15 घटाती हूं तो मुझे कितना मिलेगा, बेटा मैंने देख लिया जिनका जो गलत है उन बच्चों का मैं खुद चेक कर रही हूं। चलो देख लेते हैं। अब मैंने देखा यहाँ पर ऊपर क्या है 3 है और नीचे 5 है, मतलब नीचे बड़ी संख्या है तो 3 में से 5 तो जा नहीं सकता, मैंने इससे एक ले लिया तो यहाँ पर इसने इसको दिया ये कितना हो गया 13। 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8। अब इस क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कितना आंसर आया 8। ठीक है बच्चे, अननेसेसरी यहाँ पर मत लिखो प्लीज, एक दूसरे से कम्युनिकेट बाद में क्लास के बाहर। बिल्कुल सही। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया है? कोई एक भी बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया ये वाला घटा कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट, अगर ऊपर वाली नंबर छोटा हो तो? जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो अगर समझ आया, अदरवाइज नो लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक भी बच्चा है ना बेटा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में, तो इसलिए ऑनेस्टी से आंसर करना अगर नहीं आया है तो। ये जाट जी की आईडी से बच्चा है बेटा, एक बार आंसर लिखो तो एक बार में भी मुझे वही आंसर समझ आता है। सभी बच्चे करेंगे, सभी आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7-8 बच्चों को आया है, बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर एडिशन, जरा इसको भी सब्ट्रैक्ट, 3 अंकों वाली संख्याओं को भी सब्ट्रैक्ट करके बताओ जरा क्या आएगा, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से। कितना आएगा इसको घटाएंगे तो, 240 में से 156 घटाया तो कितना मिलेगा, 240 में से 156 घटाया तो कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही। चलो देख भी लेते हैं, क्योंकि 0 है ऊपर नीचे 6 है तो जा नहीं सकता, हमने 6 से एक उधार ले लिया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4। बिल्कुल सही। अब यहाँ कितना बचा 3, ठीक है। अब 3 में से फिर 5 नहीं जा सकता तो इस 2 से हमने एक उधार ले लिया, यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गए 8। फिर यहाँ कितना बचा था 1, 1 में से 1 गया 0, तो इतना मिले हमें 84। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? यस, आंसर तो सभी के आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर, चलो फिर। हाँ जी अच्छा एक चीज और, दो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का घटाव भी प्राकृतिक और पूर्ण होता है, पूर्ण होना जरूरी नहीं है, यही ऐसा कह रहा है। क्यों भाई वो ऐसा क्यों कह रहा है? देखो अगर मैं 8 में से 6 घटा दूं तो मुझे 2 मिलेगा, एक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मैं 0 में से 5 घटा दूं तो मुझे -5 मिलेगा, है ना। या 3 में से 4 घटाऊं तो मुझे -1 मिलेगा, तो ये तो पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है ना, ये तो आपका प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं हुई। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि दो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का जोड़ तो हमेशा प्राकृतिक और पूर्ण ही होता है, लेकिन घटाव जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है प्राकृतिक या पूर्ण हो, ठीक है। इतनी चीज सभी को समझ आई है क्या? ये चीज समझ आई है तो यस लिख दो जल्दी से, अदरवाइज नो लिखो। चलो जल्दी जल्दी फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर मैं अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर पोल में करेंगे सभी बच्चे। 6-9 से कितना अधिक है, 6-9 से कितना अधिक है, सभी बच्चे पोल में जाएंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। 6-9 से कितना अधिक है, कर दीजिए जल्दी से आंसर।
नौ से कितना अधिक है? चलो जल्दी से कर दो सभी बच्चे आंसर, पहले अपनी कॉपी में करो फिर मुझे बताओगे जल्दी से। डन मैम। अंदर है ना, पोल सेक्शन में बेटा, पोल सेक्शन में, मुझे पता लग गया। मेरे को बताने का मतलब है कि पोल सेक्शन में करोगे तो मुझे आंसर समझ आ जाएगा आप क्या कर रहे हो। सभी बच्चे करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ, जितने जल्दी जल्दी से कर दो। छह नौ से कितना अधिक है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच स्मॉलर इज सिक्स देन थ्री, सिक्स देन नाइन? छह नौ से कितना छोटा है? छह नौ से कितना छोटा है? छह नौ से कितना छोटा है? चलिए पांच सेकेंड और, पांच चार तीन दो एक जीरो, पोल को करते हैं एंड, है ना। और क्या करते हैं हम, चैट को ऑन कर देते हैं, ठीक है, चैट को ऑन कर देते हैं। चलो फिर अब कहाँ देखते हैं हम, जल्दी से पोल में, चैट सेक्शन में ऑन कर दिया, बता दीजिए आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में जिन्होंने नहीं किया था पोल। चलो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। थ्री कैसे होगा? छ नौ से कितना अधिक है, कितना छोटा है? छ नौ से कितना छोटा है ये हमें बताना था। छ नौ से कितना छोटा है? तीन। उसने छ को नौ से घटाने के लिए नहीं कहा था तो माइनस थ्री आता। बहुत बच्चों ने आप इसको समझने में गड़बड़ कर दी, ठीक है। आपने वर्ड को सही समझा है, वर्ड प्रॉब्लम को नहीं समझा। वो कह रहा है कि जो छ है वो नौ से कितना छोटा है? तीन। अगर मान लो आपका भाई है छह साल का, आप हो नौ साल के, मैं पूछूं अगर आपका भाई आपसे कितने साल छोटा है, क्या कहोगे आप? तीन वर्ष, है ना। तो उसने ऐसे पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? ए है। आप लोग वर्ड में कंफ्यूज होकर आपने छह में से नौ घटा दिया और माइनस नौ माइनस तीन आंसर कर दिया और सी कर दिया। बहुत बच्चों ने किया ये चीज। क्या आप समझ आया सभी को? क्या आप समझ आया सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब मुझे बता दो आप लोगों के डाउट्स और होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। मैं होमवर्क बता देती हूँ आप लोगों का क्या है।